दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं दीपक कृषि बाजार भाव यूट्यूब चैनल पर आपका अभिनंदन है। दोस्तों आज के नीमच मंडी के सभी जिनसों के कृषि बाजार देख लेते हैं कैसे बाजार रहे। पूरी तेजी मंदी पूरी रिपोर्ट सभी जिनसों की और पोस्ट ऑफर में 85,000 रुपये तक बिका है। पूरी रिपोर्ट देखते हैं आज के नीमच मंडी के कृषि जिन्स देख लेते हैं। तो लहसुन में दोस्तों सभी जगह आज गिरावट देखने को मिली है, तो उसका असर आज नीमच भी देखने को मिला। मगर नीमच में माल अन्य मंडियों की अपेक्षा अभी भी काफ़ी ऊंचा बिक रहा है और यहाँ पे बाजार काफ़ी अभी भी ऊंचे हैं। मगर ऊपर में 14,400 देशी माल बिका और रियावन माल 15,500। रियावन माल 14,000 से 15,000, रियावन मालों की आवकें बहुत कम। देशी मोटे माल 13,500 से 14,000 और फुल गोला माल 12,000 से 13,000 रुपये। लड्डू माल 11,000 से 12,500 और आवक देखने को मिली 13,000 बोरी के आसपास। बाज़ार में 500 रुपये की गिरावट देखने को मिली है और फिर भी अन्य मंडियों की अपेक्षा यहाँ की रेंज काफ़ी ऊंची है। अन्य मंडियों की अपेक्षा हर रेंज में काफ़ी फ़र्क है नीमच मंडी में। तो आप अपना माल यदि इस मंडी में बेचना चाहें तो नीमच में बेच सकते हैं। नीमच में अन्य मंडियों की अपेक्षा अभी भी काफ़ी ऊंचे बाज़ार हैं। ऊपर में 15,500 देशी लहसुन ऊपर में 15,500 बिका। एवरेज लड्डू 10,000 से 10,700। कली माल 7,500 से 10,400। कली एक ढेर 10,400 बिकी बहुत बढ़िया वाली। ठोस मीडियम 9,300 से 9,800। बेस्ट मीडियम 8,000 से 9,000। छल्दी माल 7,000 से 7,500। फूड क्वालिटी 4,000 से 7,500। आवक देखने को मिली 13,000। बाज़ार में 500 रुपये की गिरावट देखने को मिली। हल्के एवरेज मालों में कुछ गिरावट देखने को मिली। हल्के एवरेज मालों में बढ़िया मालों में जो बहुत ज़्यादा अंतर था वो अब कम हुआ है, क्योंकि हल्के मालों में कुछ ज़्यादा अंतर बढ़ चुका है जो पहले कम था, क्योंकि अब हल्के मालों का डिफरेंस ज़्यादा रह चुका है बढ़िया मालों से। दोस्तों कलौंजी 11,043 रुपये एक लोट ऊपर में बिका। बढ़िया माल 10,800 से 11,000 रुपये। एवरेज बेस्ट माल 10,400 से 10,700। लगभग मंडी 400 से 10,800-900 बिक रही है। एवरेज माल 9,600 से 10,200। बाजार सामान 400 बोरी आवक और एवरेज माल 9,600 से 10,000 बिक रहा है अधिकतर मंडी में माल। इस सब बोल में बाजार लगभग समान ही है। ऊपर में 8,800 रुपये पैकेट माल बिका। बढ़िया पैकेट माल 8,700 रुपये से लगाकर 8,800 रुपये और सेमी पैकेट माल 8,500 रुपये से लगाकर 8,700 रुपये। एवरेज माल 8,000 से 8,300 रुपये। 300 बोरी आवक देखने को मिली और बाजार लगभग समान देखने को मिला। धनिया में बात करें तो धनिया ऊपर में 7,011 रुपये बिका। ग्रीन माल 6,100 से 6,800। ईगल माल 5,700 से 6,000। वो के वही भाव चल रहे हैं धनिया में। बादामी माल 5,400 से 5,700। बढ़िया एकदम टॉप बादामी 5,657 है और एवरेज माल 4,500 से 5,500। नीचे में 3,500 रुपये तक है। 900 बोरी आवक देखने को मिली। बाजार में समानता रही, कोई विशेष तेजी मंदी देखने को नहीं मिली। और बात करते हैं मेथी 5,550 ऊपर में बिका। एवरेज माल 4,200 से 4,300। पीले माल 4,300 से 4,400। जो एकदम स्पेशल कलर माल 4,450-4,550। बाकी पीले माल 4,300-4,440 बिक रहे हैं। मोटे माल 4,500 से 4,700। एक्स्ट्रा मोटा माल 48 से 53। पुराने माल 3,850 से 4,100 तक बिक रहे हैं। हल्के माल 3,300 से 3,700। लाल माल बिक रहे हैं। 1,200 बोरी आवक देखने को मिली और बाजार समान। बाजार में कुछ भी ले वाली ठीक देखने को मिली मेथी के अंतर्गत। अजवाइन ऊपर में 13,575 एक ढेर बिका और 13,565 एक लोड बिका। दोनों लोड एक साथ थे और दोनों ग्रीन माल उनालू माल थे। और लगभग उनालू मालों की आवक है 11,500 से 12,500 उनालू माल और मोटा उनालू माल 12,500 से 13,500 रुपये बिक रहा है। देशी माल की आवक आज ऐसी नहीं थी और देशी 11,000 से 11,800 रुपये तक। एवरेज 10,000-10,500। बाजार लगभग समान ही देखने को मिला। 500 बोरी की आवक रही और लगभग उनालू मालों की आवक है जो 12,000 से लगाकर 13,500 रुपये तक उनालू माल बिक रहा है अधिकांश मंडियों में। दोस्तों चने में बात करें तो ऊपर में 3,825 बिका और विशाल कांटा चना 3,800 बिका, विशाल 3,825 बिका। इससे ऊपर भी कुछ बिक सकता है क्योंकि आवक ज़्यादा थी, नीलाम रेट तक चल रहा था। विशाल चना बढ़िया 3,775 से 3,825 और कांटा चना बढ़िया 3,700 से 3,775 मंडी बिक रही है। एवरेज माल 3,600 से 3,700। चाहे विशाल हो, कांटा हो, देशी चना हो और चालू डंकी शंकी माल 3,300 से 3,500, कुछ लोड 600 तक। 600 बोरी आवक देखने को मिली। बाजार में कुछ भी 25 रुपये की नरमाट देखने को मिली। मसूर की बात करें तो मसूर में बारीक मसूर को बिकी 4,000 तक। बढ़िया बारीक माल 4,000 से 4,130 तक के बाजार हैं और बढ़िया मोटा माल 3,900 से 3,950। एवरेज माल 3,750 से 3,850। नीचे में 3,400 रुपये एक लोड बिका। 60 बोरी की आवक थी। बाजार समान। दादर चना ऊपर में 5,000 बिका। बढ़िया माल 4,700 से 5,000 रुपये के बाजार हैं। सेकंड रेंज एवरेज माल 4,300 से 4,700 के बाजार हैं। चालू माल 3,500 से 4,000 रुपये के बाजार हैं। आवक देखने को मिली 400 बोरी और बाजार में देखने को मिली 100 रुपये की गिरावट। तो बाजार रहा 100 रुपये डॉलर से नहीं मता। सोयाबीन कल भी 25 रुपये की गिरावट थी, आज भी 30 रुपये की गिरावट है। तो दो दिनों में 50-60 रुपये सोयाबीन में टूट चुके हैं। ऊपर में 3,990 रुपये बिका। बाकी बढ़िया 0% माल 3,900 से 3,930 रुपये। मीडियम किस्म का माल 3,825 से 3,875 रुपये। चालू माल 3,750 से 3,850 रुपये। 3,000 बोरी आवक देखने को मिले। बाजार में 30 रुपये की गिरावट देखने को मिली सोयाबीन में।
अलसी की बात करें, अलसी ऊपर में 4700 रुपये बिकी, 4700 रुपये, बाकी बाजार में लगभग समानता रही, कोई विशेष तेजी मंदी नहीं, 150 बोरी की आवक देखने को मिली, बढ़िया माल 4600 से 4650, एवरेज माल 4550 से 4600, चालू माल 4300 से 4500, 150 बोरी की आवक देखने को मिली, बाजार में समानता रही, ऊपर में 4725 रुपये एक 4725 रुपये बिका, 4725 रुपये एक लोट और बाद में बिक चुका था। रायडा ऊपर में 3690 किराना क्वालिटी का बेस्ट क्वालिटी बिका, किराना क्वालिटी 3630 से 3660 लगभग मंडी बिकी है, बढ़िया माल सेकंड माल 3550 से 3600, एवरेज माल 3350 से 3535, 400 बोरी आवक देखने को मिली, बाजार लगभग समान देखने को मिला, किराना क्वालिटी लगभग 3630 से 60 के बीच में लगभग बिक रहा है, एक लॉट ऊपर में 3690 स्पेशल माल बिका। मूंगफली में बाजार में समानता, कोई विशेष आव के मूंगफली में हाल फिलहाल नज़र नहीं आ रही है मंडियों में, और बाजार समान ही है, 5100 से 5300 एकदम एक नंबर माल है, एवरेज माल 4800 से 5000, 20 बोरी आवक देखने को मिली, और बाजार में समानता ही है, कोई विशेष तेजी मंदी देखने को नहीं मिली। दोस्तों कांदे में गिरावट रही है कुछ भी, और लेवाली में जोश कम रहा है, मोटे माल लगभग 2600 रुपये से लगाकर 3000 रुपये तक, एवरेज मोटे माल 2300 रुपये से लगाकर 2600 रुपये, छोटे माल 2000 से 2200 रुपये तक है, 200 बोरी आवक देखने को मिली, बाजार में 100 रुपये की गिरावट देखने को मिली है। जो की बात करें दोस्तों, जो ऊपर में 1880 रुपये बिका, बढ़िया माल 1870 रुपये से 60 रुपये से लगाकर 70 रुपये, एवरेज माल 1835 से 55 रुपये, 80 बोरी आवक देखने को मिली, और बाजार में 10 रुपये की तेजी देखने को मिली है कल के मुकाबले, तो 5-10 रुपये रोज़ घट रहा बढ़ रहा है, जो में कोई विशेष बड़ी बात नहीं, मक्का में बढ़िया माल की आवक नहीं थी और नई नए माल की आवक थी, 2220 ऊपर में बिका, एवरेज माल था, एवरेज माल 2150 से 2200 रुपये यही बिके, बाकी इससे बढ़िया माल की आवक नहीं थी, और नीचे 125 बोरी आवक रही, बाजार में समानता रही। उड़द में दोस्तों आज नीचे में तो 2500 रुपये दागी माल बिका, रिजेक्शन माल, और ऊपर में 4500 बिका, बढ़िया माल की आवक नहीं थी, बाजार में समानता है, कोई तेजी मंदी देखने को नहीं मिली, बढ़िया की रंगत 4900 से 5100 की है, मीडियम माल 4400 से 4700, एवरेज माल 3700 से 4200, और हल्के माल 3100 से 3400, बिल्कुल दागी माल था जो 2500 रुपये नीमच मंडी में आज नीचे में बिका। कोस्टा ऊपर में 85000 रुपये बिका, 85000 रुपीज़, बढ़िया माल 81 से 85000, एकदम बेस्ट टीनोपाल तो 83 से 85, सेमी टीनोपाल 81 से 83, एवरेज माल 73000 से 80000, और चालू माल 65000 से 70000, 100 बोरी की आवक देखने को मिली, और बाजार को दोस्तों समान ही कह सकते हैं, कुछ टीनोपाल मालों में कुछ कल के मुकाबले नरम कह सकते हैं, तो चालू एवरेज माल कल के मुकाबले कुछ अच्छे बिके, तो 2-5 रुपये की 500 रुपये की लटक और तेजी मंदी तो पोस्ते में मालूम नहीं पड़ती है, तो आज कुछ टीनोपाल में लटक थी, तो कुछ बढ़िया मालों एवरेज मालों में बाजार तेज था, इसलिए अपन ने समान देखा। दोस्तों गेहूं ऊपर में लोकमान 2231 बिका, बढ़िया माल 2125 से 2200, सुपर माल 2110 से 2175, बेस्ट माल 2075 से 2100, मिल बेस्ट माल 1990 से 2008, मिल माल हल्का 1970 से 1985, मालोराज 1985 से 2010, 7000 बोरी की आवक रही, बाजार में 5 रुपये की धरमाट रही, मिल क्वालिटी कल भी बाजार 5 रुपये मिल क्वालिटी, वास्तविकता के बाजार तो मिल क्वालिटी की कल भी मद्दा था और आज भी नरम है। हसगन में भी बाजार समान है, कोई विशेष तेजी मंदी देखने को नहीं मिल रही है, 100 बोरियों की आवक देखने को मिली, 18000 से 20000 बढ़िया मालों के बाजार हैं, और मीडियम मालों के 15000 से 17000, एवरेज माल 14000 से 16000 के हैं, और चालू माल 7000 से 9000, बाजार में समानता देखने को मिली। दिल्ली की बात करें, दिल्ली में भी बाजार समान है, हल्के एवरेज मालों की आवक, हल्के रिजेक्शन मालों की आवक थी, बढ़िया मालों की आवक देखने को ऐसी नहीं मिली, और बाजार में समानता रही, 50-60 बोरी की दिल्ली में आवक देखने को मिली, बढ़िया माल के भाव 9400 से 9600, मीडियम माल 8500 से 9000 रुपये, और हल्के माल थे जो लगभग 7000 से 7800 रुपये तक बिके हैं, आवक 50 बोरी की रही, बाजार समान रहा। दोस्तों वीडियो पसंद अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कृषि बाजार भाग यूट्यूब चैनल, मैं दीपक इजाज़त लेता हूँ, और रतलाम मंडी के बाजार की कुछ देर में आपको मिल रहे हैं कांदे के, आप देख सकते हैं, इंदौर मंडी का वीडियो भी अपलोड किया जा चुका है, पिपलिया मंडी का बाजार भी अपलोड किया जा चुका है। जय हिंद जय भारत।